तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम जानने वाले हैं हमारा यूट्यूब सेटअप कैसा होना चाहिए, हमारे चैनल का जो यूट्यूब सेटअप है वो कैसा होना चाहिए। हमने यूट्यूब की इंपॉर्टेंट सेटिंग जान ली है, यूट्यूब के बारे में जान लिया है, जीमेल अकाउंट या यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें हमने जान लिया है। अब हम सीखते हैं कि हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए। दोस्तों ये आपके चैनल के अकॉर्डिंग होता है, जैसे आपका जहाँ चैनल है तो एक रूम और एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, बाकी म्यूजिक आप ऐड करके अपना वीडियो उसमें शूट करके डाल सकते हैं। और बाकी आपका जैसे कोई स्टडी चैनल है तो इस तरह से आप बोर्ड लगाकर या नॉर्मल बोर्ड व्हाइट बोर्ड लगाकर मार्कर की सहायता से नॉर्मल कैमरे से या मोबाइल से भी आप शूट कर सकते हैं, और वीडियोस को मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से एडिट करके आप अपलोड कर सकते हैं, और किसी भी माइक से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, मोबाइल की माइक से भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं, और उसका जो नॉइज होता है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों शूट करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए नॉइज प्रूफ होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ऐसी जगह स्टूडियो आपको तैयार करना है जहाँ आसपास कोई गाड़ी का शोर ना हो या मोहल्ले में जो शोर शराबा होता है वो सारी चीज़ें आपको इग्नोर करना है। ऐसा सेटअप तैयार करना है जहाँ पे आपको नॉइज प्रूफ बैकग्राउंड मिले। तो इस तरह से आप सेटअप अपना तैयार कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है, इसमें सबसे ज़रूरी होती है आपकी लाइटिंग। आप अच्छे खासे लाइट में वीडियो शूट करेंगे तो आपकी वीडियो की जो क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको रॉड लगाना होगा या फिर बल्ब लगा सकते हैं, या फिर आप LED लाइट जो होती है उसको आप लगा सकते हैं, या फिर आप सनलाइट में भी शूट कर सकते हैं। जैसे दिन का समय है, आप छत पर या फिर कमरे में जहाँ सूरज की रोशनी अच्छे से आती है वहाँ पर अपना आप स्टूडियो तैयार कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो एडिटिंग सीखनी है या आपकी वीडियो की जो बैकग्राउंड में नॉइज आती है वो आप देखते ही होंगे, आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी हल्की फुल्की नॉइज आती है, चाहे जितना भी आप अच्छे तरीके से अच्छे कमरे में शूट कर लें लेकिन थोड़ी बहुत नॉइज आती है, तो कैसे रिमूव करना है वो आप अगर सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा जो वीडियो में आपको पूरी तरीके से आप सीख जाएंगे कैसे हम अपने वीडियो के बैकग्राउंड को नॉइज को रिमूव करते हैं। वो सारी चीज़ें आप वीडियो में आप आराम से सीख सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।